नमस्कार। विदेशी स्विस बैंकों में भारतीयों के जमा काले धन में 50% का इजाफा सत्ता में बैठे हुए नेताओं के दोहरे चाल चेहरे और चरित्र को बेनकाब करता है। अगर इंडियन एक्सप्रेस और द ट्रिब्यून की रिपोर्ट पर विश्वास करें तो भारतीयों के स्विस बैंकों में जमा काले धन में पिछले एक अरसे में 50% का इजाफा हुआ है। जो लोग आज सत्ता में हैं वो इस देश की आवाम से वायदा करते थे कि अगर सत्ता की चाबी उनके हाथ में आई तो वो विदेशी स्विस बैंकों में जमा काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देंगे और जब वो काला धन देश में वापिस आएगा तो देश के हरेक नागरिक को 15-15 लाख रुपए बिना कुछ किए मिल जाएंगे। लेकिन ये दुख की बात है कि उनके सत्ता में आने के बाद उस काले धन में 50% का इजाफा हुआ है, जिससे साबित होता है कि ये सत्ता में बैठे लोग काले धन के मुद्दे पर गंभीर नहीं है। अगर कोई छोटी मोटी कार्रवाई इन लोगों ने की तो वो माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के बाद की गई। देश में जमा काले धन के नाम पर सत्तासीन लोगों ने नोटबंदी की जो योजना देश में लागू की वो सरकार के गले की फांस बन गई। उस योजना के कारण देश की अर्थव्यवस्था को गहरा आघात लगा, देश में रोजगार कम हो गए, देश के उद्योग धंधे चौपट हो गए, लेकिन सरकार सोती रही। इसके अलावा इन लोगों के सत्तासीन होने के दौरान कई लुटेरे उद्योगपति देश के बड़े बड़े बैंकों को लूटकर अरबों खरबों रुपया विदेशों में लेकर भागने पर कामयाब हो गए। सरकार फिर भी सोती रही। नीरव मोदी और विजय माल्या से लेकर एक लंबी फहरिस्त ऐसे लोगों की है जो देश के लोगों की गाढ़ी कमाई को जमा बैंकों में पैसों को लूटकर विदेशों में भाग गए, लेकिन सरकार कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की। सरकार के पास यूं तो काले धन पर कार्रवाई के नाम पर कम समय बचा है, लेकिन फिर भी अंत में हम आह्वान करते हैं, हम अपील करते हैं सत्ता में बैठे लोगों को कि अगर आप वास्तव में काले धन के नाम पर गंभीर हैं तो आप उन लोगों के नामों की जिनके विदेशी स्विस बैंकों में काला धन जमा है, पैसा जमा है, उनके नामों को सार्वजनिक कर दीजिए या इस देश की आवाम को, जनता को बताइए कि आखिर क्या मजबूरी है, क्यों आप उन लोगों के जिनके विदेशी स्विस बैंकों में काला धन जमा है उनके नामों की लिस्ट को सार्वजनिक नहीं करते। अगर सरकार विदेशी स्विस बैंकों में काले धन जमा धारकों के भारतीयों के उन भारतीयों के नामों की लिस्ट को सार्वजनिक नहीं करती, हम इस देश की आवाम ये मानेगी कि सरकार इस अहम मुद्दे पर गंभीर नहीं है। यूं तो सरकार इस पर पूर्णतः विफल है। निर्णय आपका है, विचार आप कीजिए कि क्या वास्तव में सत्ता में बैठे लोग काले धन के मुद्दे पर गंभीर हैं। ऐसी स्थिति में जब उसमें इनके सत्ता में होने के दौरान 50% का इजाफा होता है और जब ये काला धन जमा धारकों के नामों को सार्वजनिक नहीं करते। धन्यवाद। जय।